बॉक्स ऑफिस पर रणबीर कपूर, बॉबी देओल और रश्मिका मंदाना की फिल्म एनिमल छाई हुई है। हर तरफ फिल्म और इसके कलाकारों की चर्चाएं हो रही है। फिल्म ने देश भर में 3 दिन के भीतर 200 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है। वहीं इसके साथ कंपटीशन में विक्की कौशल और सानिया मल्होत्रा स्टारर सैम बहादुर रिलीज की गई। फिल्म को क्रिटिक्स ने खूब सराहा है और इसके डायरेक्शन के लिए मेघना गुलजार की काफी तारीफ की जा रही है, लेकिन ऑडियंस के लिए अभी ये नंबर 2 की पसंद बनी हुई है। एनिमल से टफ कंपटीशन के बाद भी सैम बहादुर ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत पकड़ बनाई हुई है। शनिवार को फिल्म के कलेक्शन में 44% का इजाफा हुआ है और रविवार को इसमें 14.44% की बढ़ोतरी हुई है। सैकनिल की रिपोर्ट के मुताबिक सैम बहादुर ने ओपनिंग डे पर मात्र 6.25 करोड़ का कलेक्शन किया। वहीं शनिवार को सैम बहादुर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में 44% का इजाफा हुआ और इसे 9 करोड़ रुपए कमाए। वहीं रविवार को फिल्म ने 10.3 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। इस तरह फिल्म ने 3 दिनों में 25.97 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। क्रिटिक्स का दावा है कि आने वाले दिनों में सैम बहादुर के कलेक्शन में और इजाफा होगा। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि सैम बहादुर को 55 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया है। ये फिल्म देश के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के आर्मी करियर पर आधारित है। इसमें उनकी पर्सनल और पॉलिटिकल लाइफ की भी झलक देखने को मिलती है। अगर आपको चॉइस हो एनिमल और सैम बहादुर देखने में, आप किसे पसंद करेंगे कमेंट जरूर करें।